नानक, जैसे कि मुझे बचपन से शौक था हीरोइन बनने का, वैसे ही मैं जब नानक को 5-6 साल में पूछती थी जब ये छोटा था कि आप क्या बनोगे, तो बोलता था मैं हीरो बनूंगा। तो मुझे उस टाइम लगता था कि ये मेरे साथ शूटिंग्स में जाता है इसलिए वो बोलता है कि मैं हीरो बनूंगा। लेकिन जैसे ये स्कूल में गया और इसने बहुत से अवार्ड्स लिए, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो गिटार हो या डांस हो, प्लेज हो, तो इसकी जो अलमारी है अवार्ड्स की वो मुझसे ज़्यादा बड़ी है। मेरी इस उम्र में जितने अवार्ड्स हैं उससे ज़्यादा इसके हैं। तब मुझे लगा कि ये सीरियसली इस प्रोफेशन को लेना चाहता है। और इसने कुछ 13-14 साल डांस सीखा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है इसने डांस की, और बाकी तो नानक खुद बताएगा कि उसने क्या क्या सीखा है। फिर हम लोगों ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है बाई जी कुट्टनगे, और एक फिल्म हमने बनाई क्योंकि पंजाबी हमारी मदर टंग है, तो एक है ये 11 दियां पौं 12, यू अभी रिलीज़ हो रही है। बाई जी कुट्टनगे ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, समीप कांग उसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कैरी ऑन, जट्टा, लावा फेरे, मतलब वहाँ के डेविड धवन कह लीजिए, अब्बास मस्तान कह लीजिए, वहाँ के पंजाब की उनकी सारी फिल्में हिट हैं। और उसके बाद अभी ये जो फिल्म आ रही है उसमें मैंने डायरेक्ट की है ये फिल्म 11 दियां पौं 12। इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा भी इंडस्ट्री में फ़र्स्ट स्टेप है, जबकि मैं इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये मैं पहला स्टेप ले रही हूँ इंडस्ट्री में। तो बाकी नानक आपको बताएगा कि उसने क्या क्या सीखा है एक्टर बनने के लिए। देखिए जी, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बनी हुई फिल्म है। इसमें मैं जैसे एक टीनेजर्स जैसे कॉलेज में होते हैं, एक चॉकलेट रोमांटिक बॉय, लवर बॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और आई थिंक इसमें जो मेरे को जस्टिस दिया है कैरेक्टर को, मैंने इस फिल्म में जस्टिस दिया है, वो मेरे को लगता है एक मदर्स ब्लेसिंग है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी कर रहे थे फिल्म को और उन्होंने ये फिल्म बनाई भी है। बट जैसे कि ये मेरा एक बड़ा स्टेप है इंडस्ट्री में, मेरे को लगता है कि ये जो मम्मी जी ने किया है वो उससे भी बड़ा स्टेप है, क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री में अभी तक कोई ऐसी फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती जिन्होंने प्रोड्यूस, एक्ट, डायरेक्ट और ये जो राइटिंग का पार्ट था पूरा स्क्रिप्ट, इसको जो लिखा गया है उन्होंने अकेले किया है ये। और मेरे को लगता नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ है कि फीमेल एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनी है जिसने डायरेक्टेड एंड रिटन बाय उपासना सिंह है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और बहुत मेरे को प्राइड होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है मेरे लिए। जी, मुझे लगता है एक्टिंग बहुत इजी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बचपन से ये काम करती हूँ, डायरेक्शन, और फिर मेरी सिस्टर प्रोड्यूसर है निरुपमा। तो जब घर की फिल्म हो और आप डायरेक्ट कर रहे हों, और उन लोगों को डायरेक्ट कर रहे हों जिनके साथ आपने काफ़ी फिल्में की हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत नोन एक्टर्स हैं वहाँ के, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो वहाँ के बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे जसविंदर भल्ला है, संगा जी हैं, शिवेंद्र जी हैं, गोपी भल्ला है, उन्होंने बहुत फिल्में मेरे साथ को एक्टर किए। तो जब मुझे उनको समझाना था और मुझे उनको बताना था कि आपको इस तरह से करना है, तो मैं सोच रही थी कि इनको अजीब तो नहीं लगेगा ये बात कि उपासना हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पॉज लेना है, क्या करना है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि वो सब बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे थे और उन्होंने मतलब वही किया जो मैंने चाहा। उन्होंने हमेशा सजेशंस दिए और अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए जो मैंने फिल्म में यूज़ किए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं मुझे जताया कि आप कैसे हमें कह सकते हैं। बाकी तो इसमें 10-11 यंगस्टर्स हैं, जैसे नानक के साथ हरनाज कौर संधू जी हैं जो मिस यूनिवर्स हैं इस टाइम, और एक स्वाति शर्मा लड़की हैं, और बाकी 10-12 बच्चे और भी हैं, क्योंकि ये यंग बच्चों की फिल्म है। जब नए नए बच्चे कॉलेज में एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ रैगिंग होती है, वहाँ चॉकलेट डे होता है, वहाँ पे अफेयर्स होते हैं, कैसे टूटते हैं, उसकी कहानी है। और कॉमेडी को तो खैर डेफिनेटली मैं बनाऊंगी, तो थोड़ा कॉमेडी तो ज़रूरी होता है। तो मुझे वैसे भी लगता है कि इतनी टेंशन में कुछ ऐसी फिल्में जो लाइट
फिल्में हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप इंजॉय कर सकें, आप हंस सकें और उसमें फ्रेशनेस हो। फ्रेशनेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे यंग बच्चे हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं सेट पे, क्योंकि इस फिल्म से पहले हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की थी, बहुत ट्रेनिंग की थी मैंने इस फिल्म के लिए। मेरे को लगता है मैंने 12 साल से मैं प्रोफेशनल डांस कर रहा हूँ और मैं 4 साल से आई थिंक टाइगर सर के साथ, यहीं पे उनका स्टूडियो है बॉम्बे में फ्लाई जोन फिटनेस, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उनके साथ। तो उनके जितने भी ट्रेनर्स हैं हम सब साथ में ही ट्रेन करते हैं। तो मेरे को लगता है इस फिल्म के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की थी, बट जब सेट पे बात आई और जब मैं मम्मी जी के साथ काम कर रहा था एज अ डायरेक्टर, तब मेरे को, मैं एक नर्वसनेस की आपको स्टोरी बताता हूँ। हम लोग रोमांटिक सीन कर रहे थे, मैं स्वाति के साथ एक रोमांटिक सीन कर रहा था और वहाँ पे जब मैम ये सीन करा रहे थे तभी मैम ये मुझे कह रहे, हाँ ये मैम, मैं इनको कह रहा हूँ क्योंकि वो एक डर एक खौफ भी है इनका मेरे अंदर जब तक ये डायरेक्ट कर रहे थे। बट जब ये वो सीन करा रहे थे, मेरे को लगता नहीं है आज तक किसी की भी मम्मी ने उनको बोला होगा कि तू लड़की के साथ रोमांस कर, ऐसे नहीं कि मत करो, क्योंकि फिल्म की डिमांड है, फिल्म का सीन है, तो मम्मी जी आपको बोल रहे हैं कि आप करो। तो उस टाइम मेरे को लगा कि मेरी मम्मी मेरे को बोल रही रोमांस करने, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया कि मेरे को वो सीन में कमांड सुननी है उनकी और मेरे को लड़की के साथ रोमांस करना है। तो वो दिन मैं आज तक भी नहीं भूलता हूँ। और हाँ जी, जब ये डायरेक्टर बने थे तो मेरे को बहुत नर्वसनेस हुई थी वो सीन करते हुए, बट सिर्फ रोमांस करते हुए, बाकी तो सब आप फिल्म में देख ही सकते हैं। उसमें असल में मैं भूल गई कि ये मेरा बेटा है तो मुझे लगा कि मैं इसकी डायरेक्टर हूँ और ये मेरा एक्टर है और मैं इसको कह रही हूँ लड़की को ज़ोर से पकड़ो, अब ऐसे उसको देखो, अभी कस के पकड़ो, अभी उसके माथे पे किस करो। तो ये और मैं इसको करके, मैं वो हीरोइन की जगह मैं खुद खड़ी होकर इसको बता रही हूँ कि तुम मेरे इतने नज़दीक आओगे, तुम मुझे इस तरह से देखोगे। फिर इसने बोला मम्मी आप मेरी मम्मी हो, आप डायरेक्टर हो लेकिन आप मेरी मम्मी हो, प्लीज़ मुझे हीरोइन के साथ करने दो। सो कई बार ऐसी जब आप उसमें फ्लो में होते हो आप सोचते ही नहीं हो कि मतलब, तो ऐसी चीज़ों में कई बार ऐसा हुआ। और नानक क्योंकि मेरा एक ही बेटा है तो मैंने उसे बहुत ही पैम्पर करके रखा था, तो ये कभी भी उठता है सुबह जैसे कि सब बच्चे करते हैं, मैं उसको उठाती हूँ, बोलते नानक उठो, बोलते मैं एक घंटा और आधा घंटा और, और वहाँ मैं इसको 5 बजे उठाती थी और जब 5:05 हो जाते थे तो मैं बोलती थी नानक 5:05 हो गए। एक दिन ये मुझे बोलता है मुझे अब लगता नहीं है आप मेरी मम्मी हो। तो इस तरह से काफ़ी किस्से हुए, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारा ट्रेलर टीज़र या गाने रिलीज़ हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ गानों के बारे में, वहाँ के जो सबसे टॉप मोस्ट सिंगर्स हैं पंजाब के उन्होंने गाए हैं, जैसे गिप्पी गरेवाल या निंजा नक्षत्र गिल, रोशन प्रिंस, वो और गाने बहुत हिट हो रहे हैं और हमारा ट्रेलर भी मिलियंस में जा रहा है जी। जैसे आपने कहा कि फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, गानों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जी, लेकिन जब उनके फिल्म के एक्टर्स सपोर्ट नहीं करते, प्रमोशन के लिए नहीं आते तो बुरा लगता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हम आपके। मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हैं जी। वो मैंने 2 फिल्में बनाई और दोनों में हरनाज़ नानक के साथ उसको लिया था, तब वो बिल्कुल नई लड़की थी, आपने देखा भी होगा, आपने अगर गाने देखे हैं आपको पता चला होगा। तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है उनका, दोनों फिल्मों का, हम कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही हैं, वो आपको पता है फिल्म लाइन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब वो मिस यूनिवर्स बन गए तो उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उन्होंने हमारी मेल का जवाब देना बंद कर दिया। तो फिर मैंने उसको बोला भी कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि आप मिस यूनिवर्स बन गए हो, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे चले गए हो, लेकिन एक कमिटमेंट होती है। जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई रीजनल फिल्म कर रही हूँ और मुझे हिंदी की बड़ी फिल्म मिली, लेकिन मैं क्योंकि मैं डेट्स कमिट कर चुकी थी मैंने वो फिल्में छोड़ी, क्योंकि यही है एथिक्स और यही है हम लोगों का, इसी तरह से करना पड़ता है। तो लेकिन मैं उसको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रही थी, मैंने उसको बोला सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टर को शेयर कर दो और आप मत आओ चाहे उस वहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और अब ये सेकंड फिल्म भी रिलीज़ होने जा रही है, अभी भी वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे सारे बाकी के एक्टर्स मुझे बहुत, बल्कि जो इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम नहीं भी किया वो भी मेरे साथ हैं।
सो मैं बहुत लकी हूँ कि इंडस्ट्री मेरा इतना साथ देती है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि हमारा ही देश है जिसमें इतनी भाषाएं हैं और इतने अलग अलग कल्चर हैं, इतने ज़्यादा त्यौहार हैं, तो ये सिर्फ भारत देश है। और मैं तो चाहती हूँ कि हर लैंग्वेज की जो फिल्म है वो सुपर हिट हो, जैसे कि तमिल, तेलुगु या वहाँ साउथ की होती हैं, पंजाबी फिल्में बहुत हिट होती हैं। मैं चाहती हूँ गुजराती, भोजपुरी, मराठी, मतलब इंडिया की हर लैंग्वेज में फिल्म बननी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि उनको सब्सिडी भी मिल रही है, और उससे क्या होता है कि आप एक कल्चर देखते हो। जब आप गुजराती फिल्म देखते हो तो आप वहाँ का जो डांडिया है, वहाँ के जो खाने हैं, वहाँ पे पहनावा क्या है, वो देखते हो, तो आप इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हो। तो मुझे लगता है कि हमें हमारी जो लैंग्वेज फिल्में हैं उनको गवर्नमेंट को और ज़्यादा मतलब प्रमोट करना चाहिए, और कर भी रही है सरकार, और सब्सिडी मिलनी चाहिए। और मैंने तो हर लैंग्वेज में, इंडिया की हर लैंग्वेज में काम किया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, 42 तो मेरी भोजपुरी रिलीज़ हो चुकी है, फिर मराठी, फिर मारवाड़ी, मैंने कोई लैंग्वेज ही नहीं छोड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ इंडस्ट्री में, मैं हर लैंग्वेज की फ़िल्म करती रहूँ। और मैं नानक को भी इसीलिए यही कहती हूँ। और अभी तो नानक, आपको एक खुशखबरी देना भी चाहती हूँ, वो हमारा सुभाष देगा। और सुभाष के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैंने और सुभाष ने काम एक साथ शुरू किया था। ये मेरा फर्स्ट मेकअप मैन था, और सुभाष भी तब 16-17 साल का था और मैं भी उतनी साल की थी। तो सुभाष ने शायद मेकअप मेरे फेस पे ही सीखा है। हम अलग अलग तरह की आंखें बना के, कभी कभी हम ऐसा भी करते थे कि हम रामलीला के जोकर की तरह आंखें बना लिया करते थे, कभी कुछ कर लिया करते थे, तो ना उसको आता था कुछ ना मुझे। उसके बाद सुभाष मेरे लिए सिर्फ मेकअप मैन नहीं था, वो मेरे भाई की तरह रहा। इसकी शादी जब हुई तो मैं और मेरी मदर ही वहाँ पे खड़े थे, और हमारे पास तब, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे वैसे तो हमारे पास थे नहीं, मैं आई थी नई नई, मुझे याद है मेरे पास ना 5-6 प्लास्टिक की चेयर्स होती थी, तब मैंने नया नया सोफ़ा लिया था। तो सुभाष के पास भी, बेचारे के पास कुछ नहीं होता था उस टाइम, तो वो प्लास्टिक की चेयर्स सुभाष को दी हमने शादी में। तो मतलब इसने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में। फिर मैंने एक फ़िल्म की थी चौक एंड डस्टर, जिसका प्रोड्यूसर सुभाष था, और मुझे इतनी खुशी हुई थी वो फ़िल्म करते हुए, क्योंकि शबाना आज़मी, जूही चावला जी और सब बड़े बड़े स्टार्स थे उस फिल्म में। और अभी नानक जब बड़ा हुआ है, और मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सुभाष आए और वो बोले कि वो क्या कर रहा है। सुभाष आपसे जानना चाहता हूँ कि पंजाबी फिल्म में तो कर ली, अब जो है बॉलीवुड में सुभाष जी के साथ काम करने वाले हैं, तो पंजाबी। अरे सुभाष, तुमने कहा मैं बताऊंगा, इसने पहले बता दिया, सुभाष ने पहले बताया। तो ये सुभाष मेरा मेकअप मैन कम भाई मेरा ज़्यादा रहा है। और हम लोग, चाहे उसके बाद सुभाष ने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया हो, लेकिन हमारा वो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटा। और जब नानक का फर्स्ट लुक हम लोगों ने डिसाइड करना था फिल्म में, तो वो सुभाष ही था जो आया था, और सुभाष ही रहेगा आगे भी। अच्छा, मैं इससे शिव जी आप आ जाइए ना, इतनी सिमरन, ये मूवी हम लोग कोकाबेरी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके हम लोगों ने एक साल पहले, मैंने इस लड़की को देखा था सलीम भाई के यहाँ पे, सलीम भाई आए हुए यहाँ पे, तो मैंने उनको देखा, और अजय लोहान जो हमारे डायरेक्टर है, कोकाबेरी की स्टोरी सुना रहे थे, तो उसमें मुझे इतनी मासूम सी लड़की एकदम, और परेशान, और कैसे वो लड़का उसको लेके निकलता है, और कैसे उनका स्ट्रगल है, तो मुझे नज़र आ गई थी। तब से हम लोग एक साल से प्लान कर रहे थे, मुझे कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं मिल रहा था। अब ये शिव जी मिले, जो ये काफ़ी फिल्मों में फाइनेंस कर चुके हैं, और काफ़ी ये बिजनेस भी इनका काफ़ी कुछ, बहुत कुछ है। तो जब ये आए, जब उनको मैंने कहानी सुनाया, लड़की से मिले, लड़का कौन है, मेरा लड़का सस्पेंस है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नानक की पंजाबी फिल्म रिलीज पे हो जाए तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करूँ, कि इस पिक्चर में लड़का लड़की दोनों क्यूट है, इनोसेंट है, उनको कोई दुनियादारी का पता नहीं, और किस तरह से वो फंसते 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 पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है,
वो कहानी आपको सिमरन सुनाएगी थोड़ी सी, उसको कोका बेरी में घुस गई, कहानी मत सुनाओ सुभाष, थोड़ी सी सुना देगी क्योंकि उसने बहुत के पीछे पीएचडी कर रखी है। सो कोको एंड बेरी दो लवर्स है, एकदम सुंदर सी फैमिली ओरिएंटेड लव स्टोरी है ये। कोको एक सिंगर है डायमंड बार में, एंड बेरी को उससे प्यार हो जाता है उसकी मासूमियत को देख के, एंड जैसे वो गाती है उसकी स्टाइल को देख के, वो हमेशा वो उसके लिए बाहर रुका रहता है, उसको फॉलो करता रहता है बहुत डिसेंटली, उसको कभी यू नो छेड़ता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता। तो एक दिन वो डायमंड बार में जाता है, सब वेटर्स वगैरह को टिप करके सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वो चाहता है। तो रुबीना सोचती है कौन, रुबीना डायमंड बार की ओनर है, कहानी नहीं पता, सो थोड़ा सो कैसे वो उसके पीछे जाता है एंड उसको लेके भाग जाता है, फिर पूरी शहर की पुलिस उसके पीछे उनके पीछे होती है, रुबीना उनके पीछे, रुबीना इनकी गैंग उनके पीछे होती है, रिपोर्टर्स वगैरह सब जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ना चाहते हुए भी मेरे हाथ से खून हो जाता है एंड मुझे बचाने के लिए मेरे लवर के हाथ से भी खून हो जाता है, तो कैसे तो ये सस्पेंस है एंड क्या होता है आगे वो आप मूवी देख के जानेंगे। इसके आगे बहुत सस्पेंस है, तो ये फुल स्टोरी नहीं है, खाली ब्रीफ है, तो आप काफ़ी जानना चाहेंगे तो आप स्टोरी ज़रूर देखना हमारी मूवी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी बोल दिया है, लेकिन इसमें काफ़ी थिंग्स है जो अभी मैंने नहीं रिवील किया है। ना ही करो, हाँ मैंने नहीं रिवील किया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ थिंग्स गो। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। मैं सुभाष जी, जैसे कि मैम ने बताया कि उनके छोटे भाई की तरह थे जब वो काम करते थे, तो अगर उनके छोटे भाई तो मेरे भी बड़े भाई हुए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मामा हो गए, मामा। बट मैं तो बड़े भाई बुलाऊंगा। मैंने इसको बोला कि इंडस्ट्री में कोई भी हो ना तो सर बोलो या नाम लो, क्योंकि मामा अंकल तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, तो वो उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। नहीं, पर मैं उनको ऐसे जैसे अभी अपनी मम्मी जी को भी मैम बुलाता हूँ, तो सर आपको भी सर ही बुलाऊंगा एज रिस्पेक्ट। बट जब मेरी शुरुआत हुई थी पंजाबी फिल्म्स में, मेरे को इन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये घर की फिल्म है, वो फिल्म बना रहे थे, वो चाहते तो हिंदी भी बना सकते थे, पर उन्होंने मेरे को बोला कि नानक हिंदी करनी है कि पंजाबी। मैंने बोला मम्मी आपने अपनी जो शुरुआत थी वो अपने होम टाउन अपने घर से की थी जो कि पंजाब था, तो मैं कहीं और से कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरी जो पहली फिल्म होगी वो पंजाबी होगी, तो जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को इतनी सुंदर और इतनी प्यारी मम्मी मिली है। बट अभी क्योंकि मेरे को इतना अच्छा मौका मिलने जा रहा है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसा कि इन्होंने कहा, नानक बोलता है पहली बार इसने मुझे सुंदर बोला है, तो मैं उसको बोलती हूँ आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, बोलता है मैं 20 का हो गया हूँ आप 22 की रहेंगी। मैंने बोला तू 42 का भी हो जाए मैं 22 की रहूँगी। खैर, नानक ने जो भी काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि अभी सोचा और काम कर लिया, ये काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रहा है, डांस क्लासेस हो या फाइट हो या कोई भी चीज़ हो या एक्टिंग क्लासेस वो ले रहा है उसके लिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्टर्स के या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बच्चे होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। जो नए बच्चे आते हैं वो धीरे धीरे भी दो सीन अच्छे करेंगे बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा किया, आगे ज़्यादा अच्छे करेंगे, लेकिन जो एक्टर्स के बच्चे होते हैं उनसे पहले से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे ही एक्टर होने चाहिए। सो नानक ने पहली फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसका नाम था बाई जी गुट्टनगे, और अभी जो है उसकी ये सेकंड फिल्म है यारा दियाँ पौं बारा जो रिलीज़ होने जा रही है। आपने देखे होंगे गाने, मेरे को लगता है कि आपको पता चला होगा उसमें कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं लगता है कि वो फर्स्ट या सेकंड फिल्म कर रहा है। खैर, हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, ऑडियंस असल में बताएगी 30 को कि कैसी है फिल्म और क्या करेगी। और बाकी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं खुद
मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आज कि सुभाष नानक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये एक इमोशनल बाउंडिंग है, एक हमारा इतने सालों का रिलेशनशिप है, 25 से भी ज़्यादा साल हो गए हम लोगों को आपस में, और चाहे हमने बाद में काम किया हो या नहीं, सुभाष ने तो बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन हम हमेशा फ़ोन पे, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे सुभाष भूला हो, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हो सुभाष मुझे फ़ोन करता है। सो नानक के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि नानक सुभाष के साथ काम करेगा, और इतनी प्यारी हीरोइन है हमारी और इतने अच्छे फाइनेंसर हैं हमारे, इनको तो मस्का मारना पड़ेगा ना तभी फिल्म बनाएंगे। मेरा रिलेशन सुभाष दत्त से पहली फिल्म हुई थी राजकुमार संतोषी जी की बैंड से, और एक फिल्म कर रहा था मैं सुशी गणेशन की उर्वशी रोटेला के साथ में, वहाँ दादा से मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे इनको जानने लगा और काफ़ी मजा आया। मजे हुए, खिलाड़ी हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी पुराने हैं खिलाड़ी, तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं समझा कैसे इंडस्ट्री में किस ढंग से सर्वाइव करना हो, आगे बढ़ना हो। फिर जब इन्होंने मिलाया सिमरन से, फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनवाया डायरेक्टर से, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने पूछा कि इसमें स्टार में किसको लेंगे, क्योंकि मुझे तो पहले अपनी जो पैसे लगाऊंगा तो मुझे वो बैक चाहिए होगा, मुझे बिजनेस देखना है। फिर दादा ने बोला कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस रहेगा, मैं पहले आपको हीरो की एक्टिंग दिखाऊंगा उसके बाद उसमें बात करेंगे। फिर उन्होंने भाई जी कुटेंगे देखी, उसमें मेरी फ्रेंड ने भी काम किया था, मैंने वो फिल्म देखी और मुझे लगा यार बहुत पोटेंशियल है लड़के में, और चार्मिंग है, क्यूट है, तो दोनों की जोड़ी लव स्टोरी में अच्छी लगेगी, तो मैंने फिर ओके किया और हम लोग रन थ्रू कर रहे हैं। और जब मालूम हुआ बाद में ये बड़ा सा सस्पेंस जब खुला कि उपासना मैम का बेटा है नानक, तो बचपन से देखते आए इनको, मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि चलो साथ में काम करने का मौका तो मिलेगा। इनका फेमस डायलॉग हमेशा याद रहता है और सबको रहता है, अब्बा डब्बा जब्बा, मैं नहीं बोलूंगा, वो टाइटल भी है मेरे पास, उस पे बनाएंगे इसके बाद फिर। कपिल की खुद की भी अभी फिल्म रिलीज हुई है, तो उसने अभी इस महीने की पूरी शूटिंग कर रखी थी, तो उसने मुझे बोला भी कि अगर पहले आप पिछले महीने में आपको शूट करना चाहिए था, क्योंकि कपिल अपनी फिल्म प्रमोट कर रहा था। कपिल के साथ कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा कोई झगड़ा है, तो मैं आपको बताऊं बाईजी कुट्टनगे में जो फर्स्ट वॉइस ओवर है वो कपिल ने दिया हुआ है, इस फिल्म में यारानिया पोंवारा में वो गाना गाने वाला था। हमारा बहुत अच्छा संबंध है, मेरे छोटे भाई की तरह है, गिन्नी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई झगड़ा है, कई बार प्रेस में बोल देते हैं कि अरे उनका तो आपस में, खैर कुछ कई कुछ ही आपने भी सुना होगा, लेकिन मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और वो नाना का ट्रेलर भी अभी शेयर करने वाला है इसी फिल्म का। हाँ, कपिल ने मुझे बुलाया था बीच में जब मैं बाईजी कुट्टनगे की प्रमोशन कर रही थी, तो जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम बहुत बिजी थी, और मैं कुछ 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से स्टोरी भी मेरी थी, तो फिर मुझे डायलॉग्स पे बैठना पड़ा, फिर उसके बाद कौन आर्टिस्ट होंगे, कैसे शूट होगा, उतने दिन शूटिंग, फिर उसके बाद डबिंग, एडिटिंग, DI, मतलब हर चीज़ में एज ए डायरेक्टर बैठना पड़ता है। एज ए एक्टर जैसे मैंने बोला बहुत ईजी है मेरे लिए, तो 1.5 साल मैंने काम छोड़ा, बहुत ही कम मैंने फिल्में की इस दौरान, लेकिन ये 30 मार्च के बाद जैसे ही यारानिया पोंवारा रिलीज़ हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करूँगी अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। सुना है, मैं उस गाने के बारे में बताना चाहूँगा कि ये गाना हम लोग एक एल्बम शूट कर रहे थे कि इसको एल्बम बनाएंगे, बस इन्होंने गाना सुना तो बोले नहीं अपनी मूवी में रखी हो, तो अब हम गाना एल्बम तो कर ही रहे क्योंकि टी सीरीज़ में ऑलरेडी इसके बात हो चुकी है, ये गाना करके गाने के बाद इसी गाने को हम लोग इस मूवी में हम लोग लेने वाले हैं, तो उस गाना जो जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने कंपोज़ की वो भी आए हुए, और जो एक्टर है जो प्ले करने वाले वो लोग भी हैं यहाँ पे, कहाँ हैं सोनो? बहुत अच्छा दोस्त है, एक्सपीरियंस तो जैसा है वैसा है, लेकिन ये दोनों जो शख्स हैं वो उपासना जी और ये लोग बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, ये बड़े बड़े प्यारे दिल वाले और बहुत अच्छी नेक नियत के साथ ये अपने बेटे को वो कर रही हैं, तो मेरी दुआ है कि ये कामयाबी तो आपको मिलनी ही तय है वो तो। थैंक यू। तो गाना तो
गाना ही है, मैं अपने गाने को अच्छा बताऊंगा, अच्छा मैंने कंपोज किया, ठीक किया है, वो तो फिर आप लोग बताएंगे या फिर दुनिया बताएगी, और इन दोनों का टैलेंट। मैंने भी एक बार कोशिश की थी गाना गाने की, तो मुझे सबने बोला आप इतना एक्ट वैक्ट अच्छा कर लेते हो तो आप थोड़ा गाना भी गाओ, क्योंकि पंजाब में ना सब सिंगर्स हैं, एक्टर्स जो हैं ज़्यादा करके सिंगर्स हैं। तो मैंने एक बार कोशिश की और मेरा गाना जो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है नूरी, बहुत अच्छी सिंगर है, उसने बोला जो तू कर रही है ना वही कर, ये तेरे बस का रोग नहीं है, जो आप कर रही है ना वही कर रहे हैं, मतलब आप इतना अच्छे जो इंसान है वैसे ही रहे हैं। और मेरी मदर बोलती थी तू ना दरवाजा बंद करके गाया कर, मेरे को आवाज बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो मुझे अपना गाना याद आया जब आप गा रहे थे इतना खूबसूरत और मैं अपना सोच रही थी क्या गाया था। टाइटल सॉन्ग इनके लिए बना है आधा कुछ, वो अभी मुझे भेजा है किसी ने, तो है कि लैला की सुनाली मेरी फैमिली है और हर ओकेजन पे हर वक्त ये मुझे याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और सुभाष जी मैं कई सालों से जानता हूँ, आप इतने खूबसूरत इंसान हैं, सोनाली अगेन अमेजिंग पर्सन, तो मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। उपासना जी के साथ मैं वैसे काम कर चुका हूँ, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट आई एम रियली फीलिंग लाइक होम एंड आई एम रियली एक्साइटेड इस गाने के लिए। मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्दी जल्दी शूट करें और आई एम हैप्पी टू हैव हिम एज अ कोस्टार। दैट्स इट फॉर मी, आई एम प्रसून आर्या। सो फॉर मी ये मेरा पहला सॉन्ग होगा, मैंने कुछ टीवी शोज़ और कुछ मूवीज़ किया लेकिन सॉन्ग मैंने कभी नहीं किया। तो सुभाष सर और यशवाली जी ने भी मुझे मौका दिया है कि मैं इसमें करूँ, और जब मैंने गाना सुना सर ने क्या लाजवाब गाना बनाया, और कमराल सर ने जो गाने की गायकी तो एक है ही लेकिन जो फीलिंग्स दी है ना इसके लिए, हम एक्टर्स के लिए इतना चैलेंजिंग हो गया है कि उस फीलिंग्स को जस्टिफाई कर पाए एक्टिंग के द्वारा, ये बहुत चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गाना स्टार्ट हो, शूट हो और इस गाने को आप लोग तक पहुंचाया जाए, एक्टिंग और गाना दोनों।